ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेंद्र। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टिकट को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इस टाइम कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है और आप लोग दलालों के पास जाते हैं कंफर्म टिकट के लिए। दलाल जो है नई नई तरीके अजमा रहे हैं और आप लोगों को कंफर्म टिकट दे रहे हैं, तो कुछ इस तरह के एक नए मामले फिर से सामने आए हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दरअसल मैं आप लोगों को बता दूँ, इस समय कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है और आप लोग कन्फर्म टिकट लेने के लिए दलालों के पास जाते हैं, तो वो लोग तत्काल में ट्राई कर रहे हैं लेकिन तत्काल में भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे कुछ दलाल जो है यहाँ पे करके आ रहा है इमरजेंसी कोटा और वीआईपी कोटा से कंफर्म टिकट कराकर आप लोगों को टिकट दे रहे हैं, और वो भी फेक टिकट। तो फेक टिकट किस तरह से दे रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मामला कुछ हैदराबाद का है, हुआ कुछ ऐसा है। जब भी आपके पास कोई वेटिंग टिकट है और आप लोगों को इमरजेंसी होता है कहीं से कहीं जाने के लिए, तो आप लोग वीआईपी से या फिर इमरजेंसी कोटा से आप टिकट कंफर्म कराते हैं, लेकिन आप लोगों को इतना पहुंच नहीं होता है जिसकी वजह से आप लोग कंफर्म टिकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ दलालों यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एमएलए और एमपी का फेक लेटर बनाकर टिकट के साथ सबमिट कर रहे हैं और इसके बाद उन टिकट को कन्फर्म करा कर पैसेंजर को दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हैदराबाद के एक लड़का है दिलीप कुमार, जिसे आरपीएफ ने छापा मारा क्योंकि बार बार उनके पास सेम एमएलए और एमपी का लेटर उनके पास आ रहे थे, तो इस पर कार्रवाई किया गया। तो पता चला ये जो फेक लेटर एमएलए और एमपी का लेटर बनाकर सबमिट करते थे, इनके पास करीब 1 लाख रुपये का वेटिंग टिकट अवेलेबल था कन्फर्म कराने के लिए, और ना जाने वो कितने लाख के टिकट कन्फर्म करा चुके थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।